ठीक है, तो अगला है इलस्ट्रेशन 67। तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों के सामने दिया हुआ है जो कि चीख चीख कर कह रहा है कि DMT लगाओ, है ना, और खुश हो जाओ। प्रूफ करना है इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है। अरे पहले देख तो ले भाई ये है क्या चीज़। √3/2 इज़ cos 30, है ना, तो उसको cos 30, 30 मतलब π/6 कर लो यार, चलो ठीक है। प्लस आए वो दिख ही रहा है sin π/6। अब क्या है कि जब सवाल आएगा तब वो ये बताकर तो आएगा नहीं कि मैं तो कॉम्प्लेक्स से आया हूँ, DMT से आया हूँ ऐसा। तो ये चीज़ें कम से कम दिखनी चाहिए तुमको कि ये आर्ग्यूमेंट्स कैसा सेम है, दीज आर सेम आर्ग्यूमेंट्स, है ना, ये दिखना चाहिए तुमको। जहाँ सेम आर्ग्यूमेंट है मतलब क्या है भाई, पावर ओवर नीचे लोगे और कैसे करोगे, वरना सिंप्लीफाई कैसे करने वाले हो फिर। ठीक, अच्छा प्लस ये जेड ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ, देखो cos 30 वही है ना, माइनस आए sin 30 लिखा है, π/5। तो प्लस में हो माइनस में हो अपन तो नीचे ले ही सकते हैं, है ना, ये अपने को पता है बहुत अच्छे से। यहाँ भी देखो सेम आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, दीज आर सेम आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है बात। बस पावर्स नीचे खींच लो धाए से, ख़त्म हो जाता है वैसे ही, ये मर जाएगा। cos 5π/6 प्लस आए sin 5π/6 प्लस cos 5π/3 माइनस आए sin 5π/3। देखें ज़रा आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या है ये। अब π/3 नहीं यार, π/6 है ये। ठीक है, इस खटाक से उड़ाओ ये सबको तो यहाँ से। तो कितना हो जाता है ये, 2 cos 5π/6, है ना। तो ये जाहिर सी बात है, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये अगर जेड है तो इसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है। ठीक है, फ्रॉम अबव वैल्यू ऑफ जेड, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इट इज ज़ीरो और क्या। ठीक, दिस इज़ योर आंसर, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा तुम्हारे पास। ठीक है बात। अच्छा, इस इलस्ट्रेशन में तो और कुछ भी नहीं है आ रहा था कुछ खास, तो ये तो ऐसा ही है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।